हाइड्रोलिक टैंक का ऑयल लेवल कैसा चेक करें? ये हमारा ऑयल लेवल का गेज है, ये जो लाल पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ तक अगर ऑयल रहता है तो समझ लो ऑयल लेवल ओके है। इसके ऊपर ये यहाँ तक भर भी गया तो भी चलेगा। हाइड्रोलिक ऑयल लेवल JCB 3DX टैंक का, ये अभी नया मशीन है अपना BS4, उसके अंदर ये इसके अंदर फिल्टर आता है जिसमें मतलब वो मोटर ये बंद होने के बाद ही अपने को सेल्फ मारने पड़ता। तो ये अपना गेज हो गया, यहाँ तक देखने पड़ता, यहाँ से अंदर डालने पड़ता है। ये उसका एक खोलने का एक यहाँ पे पाना लगता है, ये खोल के यहाँ पे अपन खोल के यहाँ से टॉप अप करना कर सकते हैं यहाँ से। ओके, ये उसका सेंसर है हाइड्रोलिक का, ये रिटर्न का पाइप है। इसका टैंक का कैपेसिटी देखा जाए तो 95 किलोमीटर का, मतलब सॉरी 95 लीटर्स का इसका पूरा सिस्टम का कैपेसिटी, इसके अंदर 70 लीटर ही बैठता है वैसा देखा जाए तो। अगर हमारे JCB 3DX मशीन के स्टेबलाइजर बहुत हलते हैं, ये और ये लेफ्ट राइट दोनों कोई भी, तो हिलने का कारण सबसे पहले ये कारण है कि उसको प्ले बढ़ गया उसके अंदर का। तो ये जो चेकनट रहते हैं, ये चेकनट इसको टामी लगा के LT हैंडल लगा के इसको टाइट करना ज़रूरी रहता है। ओके, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर ये टाइट किया हमने, टाइट करने के बाद भी वो प्ले बढ़ रहा है उसका, तो अपने को इसके अंदर का जो इसके वियर पैड रहते हैं, ये खोलने के बाद इसके अंदर की वियर पैड रहते हैं यहाँ से और यहाँ से, दो वियर पैड रहते हैं अंदर, एक यहाँ से और एक बैक साइड से, उसको नया डालने पड़ना ज़रूर रहता है। सेम यहाँ पे दो और ऊपर जो पाइली बोलते हैं लोहे की, उसके अंदर भी 4 वियर पैड आते हैं, वो निकाल के ऊपर लेके अपन 4 वियर पैड डाल देते हैं उसके अंदर, तो मशीन ओके हो जाता है। KPC का यूज़ किसके लिए होता है? KPC मूव क्यों करते हैं हम? जब भी हमें पाइपलाइन खोदने के लिए, हम जब भी बकेट से पाइपलाइन खोदते हैं तो उसको खोदने की ज़रूरत गिरती है हमें एक साइड से, तो हम KPC लेफ्ट साइड से करते हैं KPC का बटन चालू करके, और जब राइट करना रहता है तो जब उसको बटन चालू करके लोड दे के बकेट पर इसको इधर करते हैं हम, तो वो KPC इधर सरक जाता है। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा ये होता है कि हम एक साइड से हम पाइपलाइन खोद सकते हैं। दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि मशीन किधर चढ़ाना होगा, हमें कुछ लोडिंग करना है, लोडिंग मतलब मशीन को लोड करके आगे कुछ भेजना है, तो वो भी वो जब काम में आता है। एक तरफ से वजन जाता नहीं, उसको मशीन लॉक करने के टाइम पे भी फ़ायदा होता है। ये लॉक है उसका, लॉक करते हैं अपन यहाँ पे, बूम लॉक करते हैं इसके अंदर, बूम को यहाँ पे लेके यहाँ पे लॉक कर देते हैं। ओके, ऐसा लॉक हो जाता है हमारा बूम इसके अंदर, बूम अटक जाता है। ये जो लाल लाइट, इससे जब हम ब्रेक दबाते तो लाइट लग जाता है, इसको मतलब इसको बोलते हैं ब्रेक लाइट। दूसरा है ये वाइट कलर का लाइट, ये वाइट कलर का लाइट कब लगता है? जब हम रिवर्स में मशीन डालते हैं तो रिवर्स का लाइट लगता है। उसके बाद ऊपर का जो है ये येलो लाइट, ये हो गया हमारा पार्किंग का, तो मशीन हमारी पार्किंग के टाइम पे ये लाइट लगता है। ओके, सेम दूसरा वो भी उसका ऑपरेशन वैसा ही होता है। ज्यूरिस्ट्रट का यूज़ हम जब हमारा कुछ भी इंजन रिलेटेड काम हो तो हम लोडर ऊपर करते हैं, और लोडर को ऊपर करने के बाद ये रैम के बीच में वो लॉक लगा के हम उसमें फिट करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि वो लॉक होता है और वो बूम उसका जो लोडर है वो नीचे नहीं आता है, मतलब। तो ये एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से है कि सेफ्टी के हिसाब से ये लॉक काम करता है, ऐसे खुल जाएगा ऐसा, इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे तो खुल जाता है ये। ओके, और ये बेल्ट खोल के हमें उसमें फिट करने पड़ता है रैम के अंदर, उसको बोलते हैं शावेल। इसका कैपेसिटी होता है 1.1 क्यूबिक मीटर। इसके टोटल 2, 4, 6, 8 दाते रहते हैं, और वो पूरे हेवी ड्यूटी बोल के आते हैं। और उसके ऊपर जो ऊपर का जो ये प्लेट आता है, ये इसको मतलब एक प्रकार से सपोर्ट या स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम में आता है। तो लोडिंग काम के लिए यूज होता है हमारा ये शॉवेल, इसको शॉवेल बोलते हैं, ये इसको शॉवेल बोलते हैं। और ये जो प्लेट बोलते हैं इसको, ये प्लेट उसको लगाई हुई है, इसको बोलते हैं ट्यूब प्लेट। ओके, तो ये हो गया हमारा, जब भी हमको मशीन से प्लेन करने का रहेगा तो इसका यूज़ होता है, जब कुछ लोडिंग करने का है तो भी इसका यूज़ होता है, कुछ सामने का वर्किंग रहा तो इसको लॉक करके हम यूज़ कर सकते हैं। एक प्रकार का एयर इनलेट सक्शन है, इसके अंदर से एयर सक होती है, यहाँ से इसके अंदर से आप देख सकते हो, ये जो फिन्स दिख रहे हैं आपको, फिन्स के अंदर से एयर अंदर जाती है, और वो एयर अंदर जाने के बाद हमारे
एयर फिल्टर को जाती है हवा, और जो भी डस्ट होती है वो डस्ट यहाँ पे कैरी होती है, और वो डस्ट यहाँ पे कैरी होने के बाद हम इसको यहाँ से खोल के निकाल लेते हैं वो डस्ट को, और फिर से फिट कर देते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि हमको एयर फिल्टर में क्लीन वाली एयर जाती है, तो इसके कारण एयर फिल्टर के थ्रू वो इंजन को अच्छी एयर मिलती है। तो लिफ्ट रैम कैसा ऑपरेट करता है? जब भी हम लिफ्ट रैम ऊपर करते हैं तो ऊपर करते टाइम पे ऑयल ये होस के ज़रिए यहाँ पे इसमें इनलेट होता है, और ये ऑयल ऊपर उसको ढकेलता है, तो ऊपर वो जाता है हमारा रैम, ओके। और जब भी हम रैम को नीचे लेते हैं, डाउन करते हैं, जब भी लोडर को हम डाउन करेंगे तो ऑयल ये वाले होस से यहाँ से होते हुए इधर आता है और इसको पुश करता है सामने। इसके अंदर पिस्टन पिस्टन रहता है, पिस्टन हेड रहता है, और ये पिस्टन हेड के साथ ये पूरा रैम उसको लिंक रहता है। तो जब भी हमारा टायर प्रॉपर तरीके से नहीं घूमता है, फ्रंट टायर जेसीबी का, और उसमें कुछ साउंड आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है हमारे फ्रंट टायर में, तो टायर वगैरह ओके रहने के बाद ये जो हमारा ये इसके अंदर का हब है, ये हब के अंदर हमारा कोन बेयरिंग रहता है, और इसके अंदर पूरा ऐसा ग्रीसिंग वगैरह किया हो रहा था, इसके अंदर बेयरिंग रहते, तो वो खोल के ये एलएनके बोल्ट खोल के हमको उसकी बेयरिंग देखनी पड़ती है। अगर वो बेयरिंग टूट गई है तो उसको नया हमें डालने पड़ता है कोन बेयरिंग, नहीं तो फिर उसको ग्रीसिंग वगैरह अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ग्रीसिंग इसका कहाँ से करते हैं हम? ये पॉइंट से करते हैं ग्रीसिंग, ओके। तो इसको मेंटेनेंस में रखना बहुत ज़रूरी है ग्रीसिंग को, ओके। अगर हम ग्रीसिंग करेंगे तो हमारा फ़ायदा ही होगी, तो ये अच्छे चलेंगे, ओके। 50H इसका मतलब होता है 50 घंटा, तो 50 घंटे में हमें हमारा वाटर सेपरेटर क्लीन करना ज़रूरी है, ऐसा बोलना है कंपनी का। मतलब इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो भी पानी जमा हो गया है तो वो पानी निकल जाता है। ये जब भी रिंग ये रिंग ये जो आप देख रहे हैं लाल कलर की रिंग, ये ऊपर आती है तो समझ लो उसके अंदर उतना उतनी लेवल में पानी जमा हो गया है। समझ लो यहाँ पे आएगा तो इतना पानी हो गया, ऊपर आ गया तो पूरा भर गया बॉल, तो समझ लो अगर ये ऊपर चले गया तो ये इसका ड्रेन एक ये रहता है, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हो ये बोल्ट, तो ये बोल्ट खोल लो और इसमें का पानी निकाल लो, इसका मतलब ये होता है। टोटल कितने रैम रहते हैं? तो ये हो गया एक रैम, ये हो गया दूसरा, ऐसे ही वो साइड का वो दो रैम हो गए, दो और दो चार, टोटल 4 रैम। उसके बाद ये हमारा स्टेयरिंग रैम आप देख पा रहे हो, 5 5। उसके बाद ये एक हो गया स्टेबलाइजर रैम 6, ऐसे ही उधर का एक 7, ये हो गया 8, इसको बोलते हैं बूम रैम, 2 स्विंग रैम लेफ्ट और राइट, इसको बोलते हैं स्विंग रैम, 8 और 2 10। उसके बाद ये हो गया हमारा बकेट रैम 11, और ये हो गया हमारा डिपर रैम, टोटल 12 रैम। तो ये जो आप देख रहे हैं 3DX मशीन का, इसको मतलब लाल कलर का रहता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर, ये रात के टाइम पे दिखता है, तो इसके वजह से हमें समझ में आता है कि मशीन कहाँ पे काम कर रही है। मशीन अंधेरे में अगर कुछ चमकता है, लाइट चमकता है, तो ये इस पर रिफ्लेक्ट करता है, इसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं। इससे बहुत मतलब इससे कुछ दुर्घटना होने से भी बचाव होता है, एक्सीडेंट होने से बचाव होता है, ये एक फ़ायदा होता है। और दो से तीन रिफ्लेक्टर लगाए मशीन में, देखते हैं अब कहाँ पे है। ये भी एक लगा है, ये भी एक रिफ्लेक्टर के जरिए काम करता है कि दिखता है कि कहाँ पर मशीन कैसे काम कर रही है, क्या है, वो एक एक्सीडेंट से बचाव होता है। दूसरा एक है ये, तो अभी तक हमने 3 रिफ्लेक्टर देखे हैं, ये रेडियम लगाए हुए हैं, ये रेडियम लगाए हैं, एक्सीडेंट होने से बचा होता है इसका। फ्रंट एक्सल का ये हो गया हमारा हब, हब के अंदर ये हमारी लगी हुई थी पिन लंबी नीचे जाती है वहाँ से ये वाली, और ये बीच में ये ग्रीस पॉइंट, यहाँ पे ग्रीसिंग करते हैं हम पिन का। ये हो गया हमारा क्वार्टर पिन, ये क्वार्टर पिन को हम मतलब ये क्वार्टर पिन को हम इधर से ठोकते हैं, इधर से हम निकाल सकते हैं, क्वार्टर पिन इसके अंदर फंसी हुई रहती है पिन के अंदर, ओके। ये भी एक पिन ही होती है, इसको ये किंग पिन से ये निकाल के करना होता है। ये हमारा एलंकी बोल्ट रहता है, पहले एलंकी से इसको लूज़ करने पड़ता है, पहले ये लूज़ करने पड़ता है, फिर एलंकी लूज़ करने पड़ता है।
बोलना ये है कि इसमें प्ले अगर बढ़ गया है तो क्या करना पड़ता है दोस्तों, ये खोल के हमें इसकी बुशिंग करना ज़रूर रहता है। बुशिंग करने के बाद हमारा ये अच्छे तरीके से चलता है। तो हमारे रियर टायर इसका साइज़ 14025 रहता है। इसमें हमारे टायर की हवा रहती है 40 से 45 PSI होती है, ओके, पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो यहाँ से हम वो भरते हैं, इसके अंदर एडाप्टर लगाते हैं, ये खोल के इसके अंदर एडाप्टर लगा लेते हैं, ये खोल के ऐसे, ठीक है, एडाप्टर मिलता है येलो कलर का, उसको लगा के वो करने पड़ता है। अब इस पर आते हैं सामने वाले टायर पे, इसका टायर, इसका साइज रहते हैं 9016। साइज़ होने के बाद इसमें हवा बढ़ता है हमारा 70 से 80 PSI के बीच में, और यह ऐसे हमको भरने पड़ता है। यहाँ पे एडाप्टर कुछ लगता नहीं है, जनरली लगाने पड़ता है, सीधा सीधा हवा भरने का।